बेगूसराय के रतनपुर मध्य विद्यालय के प्रांगण में बुधवार को नाइट स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा शहीद आरक्षी सुमन कुमार सिंह राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस वॉलीबॉल मैच का उद्घाटन बेगूसराय के बीडीओ सुदामा प्रसाद ने किया। उद्घाटन के उपरांत बीडीओ ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किए, वही शहीद आरक्षी सुमन के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि देखिए, मेरा मानना है कि खेल हमेशा से सद्भावना का सबसे बड़ा माध्यम है और हमारे खिलाड़ी जो होते हैं सद्भावना दूत होते हैं। हम सभी खिलाड़ियों से यही कहना चाहेंगे कि खेल में जीत हार की भावना से ज्यादा महत्वपूर्ण मेल मिलाप की भावना होनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि खेल हमेशा से जो है सद्भावना का सबसे बढ़िया माध्यम है और हमारे खिलाड़ी जो होते हैं सद्भावना दूत होते हैं। और हम आज यही कहना चाहेंगे सभी खिलाड़ियों से कि इसमें जीत हार की भावना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मेल मिलाप की भावना महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे मेयर साहब बता रहे थे कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे अच्छी सेवाओं में भी जा रहे हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि खेल इन सबको बांधे रखे, सबको एक रखे और इन्हें और आगे बढ़ने में सहायक फायदा प्रदान करें। वहीं पूर्व मेयर संजय सिंह ने बताया कि नाइट स्पोर्ट्स क्लब के बैनर तले शहीद आरक्षी सुमन सिंह की स्मृति में 2008 से यह वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन इस मैदान में किया जाता है। इस मैदान में खेलकर अभी तक 20 खिलाड़ी सरकारी सेवा में हैं और 2007 में इसी मैदान में खेलकर शंभू और सुमन दो भाई राष्ट्रीय स्तर तक अपना जलवा दिखाया था। सुमन 2007 में नक्सल वारदात में शहीद हो गए और 2008 में से तमाम नाइट्स क्लब के मेंबर के द्वारा उनके याद में टूर्नामेंट करवाते हैं। वॉलीबॉल खेल का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आप अध्यक्ष हैं नाइस स्पोर्ट्स क्लब के बैनर तले और नाइस स्पोर्ट्स क्लब का लगभग 95-96 में इस नाइस स्पोर्ट्स क्लब का गठन हुआ और तब से लगातार हमारे यहाँ वॉलीबॉल के जो युवा खिलाड़ी हैं वो इस ग्राउंड में खेलते हैं। इस मैदान में खेलकर अभी तक में लगभग 20 हमारे खिलाड़ी सरकारी सेवा में हैं, कोई इंस्पेक्टर के पद पर हैं, कोई रेलवे में है, मान अन्य विभाग में 20। और 2007 में इसी मैदान पे दो शंभू और सुमन दो भाई बहुत अच्छे राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने अपना जलवा दिखाया था। उसमें से सुमन 2007 में नक्सल वारदात में वो शहीद हो गए और 2008 से हम तमाम जो इस नाइस स्पोर्ट्स क्लब के जितने भी मेंबर हैं वो उनके याद में उनके स्मृति में एक टूर्नामेंट करवाते हैं और वही टूर्नामेंट कल शुरू हुआ था एक शहीद के स्मृति में। तो शहीद सुमन के और 8 टीम इस प्रतियोगिता में आई है और आज 4 टीम सेमीफाइनल में, अभी रतनपुर और बीहट स्टूडेंट क्लब के बीच हुआ था, उसमें रतनपुर फाइनल में आ चुका है, फिर रतनपुर बी और हसनपुर के बीच अभी मैच होना है। तो इस तरह हर एक साल हम अपने जो शहीद सुमन के सम्मान में इस तरह का प्रतियोगिता करवाते हैं और कराने का एक ही उद्देश्य है, जो कहीं ना कहीं युवाओं को एक अच्छा रास्ता मिले, आपस में सद्भावना हो, सामंजस्य हो और एक दूसरे से मिलके अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ न कुछ करें।